Welcome back to the online classes, dear students. Today we will see the poem Animals. It's written by Walt Whitman. This poem is taken from Song of Myself in Leaves of Grass. It's written by Walt Whitman. We will see about the poet, poetic devices, summary, explanation of the poem. But before that, we will start by line-by-line explanation. This is the seventh poem of your book. There are many poems, at least four poems have been reduced by CBSE and many chapters also. To see that, there's a video on it also. You can refer to the video. Now, as you can see on your screen, there are many animals. And the poet likes how animal lives, how animal live and how animal behave with each other, and the poet also wants to live with them. The poet tells us that he feels more at home with animals than being with these false human beings. Let us see the poem line by line. So your first line is, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. पोएट कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव, काश मैं टर्न हो जाता और किसके साथ रहने लगता, आई कुड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड, दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स काम, सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड मीन्स आत्मसंतुष्ट हैं, खुद से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है. कौन है? एनिमल्स. सो इन दिस लाइन आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पोएट एनिमल्स को देख कर इमेजिन करते काश मैं इनके साथ रहता, ये लोग कितने काम है, कितने आत्मसंतुष्ट हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. एज यू कैन सी द पोएट इज लुकिंग एट द एनिमल्स. That he says in the poem, I stand and look at the animals long and long. तो ये दूर देर देर तक देख कर ये उन्होंने absorb किया animals से, ऑब्जर्व करके ऑब्जर्व किया कि ये लोग बहुत सेल्फ कंटेंड और प्लेसिड हैं. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. वो पसीना पोंछ के बार बार बखान नहीं करते अपनी कि मैंने, मेरी यह हालत है, मैं बहुत दुखी हूँ. एनिमल्स जैसे हैं, जिस कंडीशन में हैं, खुश रहते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिन. वो रात के अंधेरों में जाग कर रोते नहीं हैं अपने दुखों के लिए, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कर दिया वो कर दिया. दे लिव हैप्पीली. सो पोएट को ये बिहेवियर एनिमल्स का बहुत अच्छा लगता है कि ये नहीं है कि एक्स्ट्रा रात को जग कर एंड दे कीप क्राइंग फॉर देयर सिन, फॉर देयर पाप, वॉट एवर दे डू दे जस्ट डू. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. और कहते हैं कि एनिमल्स बार बार जो काम करते हैं वो बताते नहीं हैं, क्योंकि एनिमल्स मानते हैं, पोएट मानते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं इट्स आर ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड. और जो एनिमल्स हैं वो बार बार डिस्कस नहीं करते हैं, तो पोएट को ये बहुत अच्छा लगता है. नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. सो कहना है कि कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं, कोई एनिमल को आप नहीं देखेंगे कि वो डिससेटिस्फाइड है, बहुत दुखी है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें पाने का मेनिया है कि दुखी है वो कि नहीं मिला हमें वो चीज़. डिमेंटेड मीन्स नीचा दिखाना, और मेनिया मीन्स पागलपन किसी चीज़ को पाने का. तो जो ह्यूमन बींग्स में है ये कभी एनिमल्स में नहीं है. जहाँ रहते हैं, जैसे रहते हैं, खुश रहते हैं. दे डू नॉट थिंक ऑफ ओनिंग थिंग्स, पोजिसिंग थिंग्स, ऐसा कोई पागलपन नहीं है उनमें. नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई किसी के सामने झुकता नहीं है. नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो. जैसे हम अपने जो पूर्वज हैं, जो फोर फादर्स हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, तो नहीं, एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते ना. कोई एलिफेंट जाएगा टाइगर के सामने सर झुकाने, या एलिफेंट खुद किसी एलिफेंट के सामने भी सर नहीं झुकाता, सेम काइंड वालों के सामने भी ये लोग सर नहीं झुकाते. तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि एवरीबडी इज़ इक्वल. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. क्योंकि रिस्पेक्ट का एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो सैड होने का कॉज ही नहीं है. तो ना ऐसा है कि कोई रिस्पेक्टेबल कहलाएगा, और इसीलिए कोई अनहैप्पी भी नहीं है. सब जो हैं अपने में हैं, खुश हैं. सो नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. ये चीज़ पोएट को भी बहुत अच्छी लगती है. सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. कह रहे हैं कि जो ये रिलेशन दिखाते हैं एनिमल्स मुझसे, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. जो भी वो बिहेवियर करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील दे आर रिलेटेड टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैट बिहेवियर, दैट रिलेशन. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ.
अब पोएट नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, जो ह्यूमन बींग्स में क्वालिटी होती है उसकी निशानियाँ, उसका टोकन वो लोग मेरे लिए लाते हैं। दे एविज, वो दर्शाते हैं, दे एविज देम प्लेनली इन देयर पोजिशन, अपनी पोजिशन में वो लोग रखें जो क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग में होनी चाहिए, उसका टोकन्स उसकी निशानी कौन लाते हैं, एनिमल्स लाते हैं, और बहुत ही अच्छे से दर्शाते हैं एकदम प्लेनली कि वो लोग वो क्वालिटीज़ पोजेस कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटीज़ जो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स को पोजेस करनी चाहिए थी, कि मेनी ऑफ थिंग्स ना हो, सबके लिए इक्वल हो, बट ऐसा कुछ नहीं है ह्यूमन बींग्स में, ये एनिमल्स में है। तो पोएट वंडर करते हैं वेयर दे गेट दीज टोकन्स, पोएट कहते हैं कहाँ से एनिमल्स को ये टोकन मिल गया, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मुझे बहुत ज़्यादा वंडरिंग अमेजिंग लग रहा है, सरप्राइजिंग लग रहा है कि आखिर एनिमल्स को वो टोकन कहाँ से मिले। फिर खुद ही कहते हैं डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैं बार बार उसी रास्ते से गया हूँ और मैंने ही उस टोकन जो एक्चुअली मेरा पोजिशन था उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको संभाल के नहीं रखा अपने ट्रेड्स को, और मैंने ही नेग्लिजेंटली गलती से उसको ड्रॉप कर दिया, और आज वो हैबिट्स ह्यूमन बींग्स में नहीं रह गई हैं बल्कि एनिमल्स वो क्वालिटीज़ पोजेस करते हैं जो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए थी, इंसान में होनी चाहिए थी, इंसानियत होनी चाहिए थी। So if you didn't understand once more, we will see. I think I could turn and live with animals. They are so blessed and self-contained. जो लोग समझ गए हैं वो ये वीडियो 5 मिनट और फॉरवर्ड करके आगे अबाउट द पोएट समरी क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। सो पोएट कहते हैं मैं काश वापस से टर्न हो जाता और किसके साथ रहता, एनिमल्स के साथ रहता, वो लोग कितने प्लेसिड हैं, कितने वो लोग काम हैं, कितने सेल्फ कंटेंड हैं, खुद में खुश रहने वाले हैं। पोएट कहता है स्टैंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़े होकर खूब देर देर तक किसको देखता हूँ, इन्हीं को देखता हूँ, इन एनिमल्स को देखता हूँ। पोएट को बहुत अच्छा लगता है इन एनिमल्स को देखते रहना कि ये लोग कितने प्लेनली रहते हैं। फिर पोएट कहते हैं दे नॉट स्वेट एंड वाइन, वो लोग इन्हीं की पसीना पूछ के बार बार चीख चीख के अपनी कंडीशन के बारे में बताते हैं, अरे मैं दुखी हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, जैसे कि एनिमल ह्यूमन बींग्स अब बताते हैं, पर एनिमल्स जो हैं जैसे हैं उसमें खुश रहते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, ये नहीं कि अंधेरे कमरे में बंद हो जाएं या फिर रात को अंधेरे में जगें और रोएं, जो सिन जो पाप उन्होंने किए, अब जो कर दिए वो कर दिए, जो अच्छे काम है वो आगे करिए, बट ह्यूमन बींग्स में ये नहीं है, जो सिन करता है वो सिंस्टर हो जाता है और ज़्यादा सिंस करता है। तो ये पोएट को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और इसलिए पोएट किसको प्रेफर करते हैं, एनिमल्स को प्रेफर करते हैं दैन ह्यूमन। और तो और कहते हैं जो उनका काम है रोज़ का वो एक्चुअली क्या है, उनकी ड्यूटी है टूवर्ड्स गॉड, पर वो लोग ह्यूमन बींग्स जो है वो ड्यूटी करते हैं पर इतना बोस्ट करते हैं, बताते हैं, एंड द पोएट डज नॉट लाइक इट। और पोएट कहते हैं कि एनिमल्स भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, बट दे नेवर बोस्ट अबाउट इट, दे नेवर डिस्कस देयर ड्यूटीज अबाउट टू गॉड वट एवर दे डू। और कहते हैं इस तरह से ना कोई डिससेटिस्फाइड है, ना कोई डिमेंटेड है, ना कोई नीचा फील करता है, क्योंकि किसी के पास मेनी ऑफ ओनिंग थिंग्स नहीं है। एनिमल्स जो है जो मिल रहा है उसमें जीवन, ये नहीं कि ये चीज़ बटोर के अपने घर में रख ले। एट लास्ट नोबडी टेक्स एनीथिंग, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, दे जस्ट ट्राई टू ग्रैब एवरीथिंग ऑन दिस होल अर्थ, दे वॉन्ट टू ग्रैब एवरी सिंगल थिंग, नॉट वन नीड्स टू अनदर। कह रहे कोई किसी के सामने सर नहीं झुकाता है, इवन जो उनके काइंड के रह चुके हैं फॉर फादर्स, उनके सामने भी कोई एनिमल सर नहीं झुकाता है कि ठीक है देवर माई फोर फादर्स। एंड इसका मतलब ये नहीं कि सर झुकाना गलत है, इसका मतलब पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि ना किसी को डिसरिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट के ही बात नहीं होता है, तो डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती ही नहीं है किसी को, इसलिए कोई अनहैप्पी नहीं है। और यही वो अपने नेक्स्ट लाइन में कहते हैं नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं जिसको रिस्पेक्टेबल वाली पोजिशन दी गई हो, तो इसीलिए डिसरेस्पेक्ट वाली फीलिंग किसी को आती नहीं है, और ना ही कोई अनहैप्पी है ओवर द होल अर्थ। सो एवरी एनिमल इज़ हैप्पी अमंग देमसेल्व्स एज अकॉर्डिंग टू द पोएट, एज पर द पोएट। वी डोंट नो अबाउट एनिमल्स हाउ दे लिव व्हाट दे फील, एल्स इफ एनीबडी इज़ टॉकिंग टू द एनिमल्स यू माइट बी नोइंग। सो पोएट कहते हैं सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और वो अपना रिलेशन दिखाते हैं मुझसे, अटैचमेंट दिखाते हैं, और मैं बहुत अच्छे से खुशी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी देम, आई वॉन्ट टू बी विद देम, सो आई एक्सेप्ट दिस रिलेशन विद
द एनिमल्स। फिर पोएट आगे चल के कहते हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ हैं, निशानियाँ हैं, वो टोकन्स कौन लेकर आता है? एनिमल्स लेकर आते हैं और उनमें मुझे वो क्वालिटीज़ दिखती है। दे एविंस देम, उसको वो बहुत अच्छे से दर्शाते हैं, एकदम प्लेनली अपनी पोजिशन में लाते हैं, कोई दिखावा नहीं, और एकदम प्लेनली उस चीज़ के साथ रह रहे हैं। और ये भी क्वालिटी किसको बहुत अच्छी लगती है? पोएट को बहुत अच्छी लगती है। देखिए वो कैसे एनिमल्स के बीच में आराम से बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। आगे चल के पोएट कहते हैं आई वंडर, अब पोएट अब सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं कि कैसे आखिर ये हुआ। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कहाँ से इन लोगों को ये टोकन्स मिले हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग है ये पोएट के लिए कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स में निशानियाँ होनी चाहिए थी, क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी, वो आज एनिमल्स पॉजेस कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है पोएट को, और पोएट कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये ह्यूमन बींग्स ही इतना ज़्यादा उस रास्ते पे चल दिए हैं, इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं चल चल के, कि जो अपनी क्वालिटीज़ हैं उन्होंने खुद ही नेग्लिजेंटली ड्रॉप कर दी, मैंने भी अपनी क्वालिटी खुद ही ड्रॉप कर दी, और आज जो हमें पोजेस करना चाहिए था क्वालिटीज़, वो कौन पोजेस कर रहा है? वो एक्चुअली एनिमल्स पोजेस कर रहे हैं। अब देखते हैं अबाउट द पोएट। वॉल्ट विटमैन इज़ अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोएट्री, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये लिखा है। He broke the tradition of rhymed and metrical poetry. ज़रूरी नहीं है कि poems जो है rhyme scheme से ही बने, और ये वैम किसने तोड़ा? Walt Whitman ने तोड़ा। He was famous for revolutionary kind of poetry in free verse. तो ये free verse में लिखते हैं, इनके जो poem होती है उसमें rhyme scheme नहीं होती है। और ये जो poem animals है वो ली गई है song of myself in leaves of grass. अब देखते हैं introduction. ये जो पोएम है ये कंपैरिजन है बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ही हैज़ पॉइंटेड आउट द ईविल प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन, और वो क्वालिटीज़ व्हाट ही थिंक्स दैट नाउ एनिमल्स पॉजेस एंड ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट पॉजेस। दैट इज़ व्हाई ही फील्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर दैन ह्यूमन बीइंग्स। कौन फील करता है? पोएट फील करते हैं कि बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स में होनी चाहिए, बट है पोएट में, और इसलिए पोएट को लगता है कि एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमन बीइंग्स। Now, let's see the summary. The poet says he wants to turn into and live into the world of animals. The poet finds the world of animals better than that of human beings. He further says that he finds animal more peaceful than human beings. He says so because animals are not running after the worldly things like human beings. They are calm and have no greed for worldly things or kinds of achievements. As you can see, we have seen this. This is the first stanza summary. The summary of the whole poem line-wise is given here in this video. You can go through it, you can write it in, you have to of course write it in your copy, about the poet, the summary, the word meanings, the question answers. So you can see this is the first stanza. Pause the video, write it. Now this is the next paragraph. They are so self-contained, they are happy with life and never interfere in the lives of others. Humans have the habit of interfering in the lives of others. So poet thinks that animals are better than humans for being calm and not interfering in the matters of others. The poet further says that these are the reasons why he stands still and look at the animals for long and long. Again, you have to pause the video and write this much in your copy. Be quick in writing. Don't you feel that the poet feels more good with animals than with the humans? While most animals are domesticated, cool-headed, contented and hard-working, they are uncomplaining, extremely faithful. The humans are usually selfish and false. So this is the comparison that the poet does. They pretend to be religious mind, but their chief passion is to possess things. So here the poet always says in the poem, animals do not overwork or toil to gain more and more. They don't cry for pain or complain about their miserable condition. They do not discuss foolishly or noisily about their faith in God or their rituals or their duties that they perform towards God. No animal is dissatisfied with his lot, nor runs madly after owning or possessing so many things.
ह्यूमन बींग्स हैव ऑल सच वीकनेस. सो द पोएट फील्स मोर एट होम इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स दैन विद ह्यूमन बींग्स. सो मैनी सिली एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स मेक द पोएट सिक एंड बोर्ड. They go down on their knees and beg for favors from other fellow beings. They believe in hero worship. They pay homage to past heroes and their unknown ancestors. But they don't pay respect to the people who are living along with them. The animals have no class division, high or low. Not even one of them claims to be respectable. None is unhappy. Above all, they possess some noble human qualities. They are faithful and trustworthy. They show all their virtues freely and openly. Human beings, on the other hand, are false and undependable. The poet wonders how and when the animals came to possess noble human virtues. Perhaps he thinks, once humans were also part of tribe of animals, but they dropped all their great qualities to become civilized, and thus they have lost all the good qualities to gain worldly things. The animals picked up those qualities and retained them to this day. But the humans are just running behind comfort or luxury. As you can see, the poet marvels at noble human qualities in animals. He wonders where they found and adopted these virtues. Perhaps man was also one of the animals, he thinks, as I'm repeatedly saying. But as he went past the animals, he dropped all his good qualities for the benefit of the animals. Now, there can be many questions made. Now, if it is asked, mention three things that humans do and animals don't have, what would you say? Humans complain about their miserable condition. They feel sorry for their sin. They lose their sleep. They discuss their religious duties to God and the mode of worshipping God. But the animals don't do all these things. Now, next question. Do humans kneel down to their ancestors? Yes, man is thinking. Man is said to be a thinking animal. His so-called wisdom and knowledge made him worse than wild beast, according to the poet. This is reflected in their honoring the ancient heroes and paying homage to their own long forgotten ancestors, as per the poet. So again I'm saying as per the poet, because I'm not at all saying these things. It's all what poet says. Now the meaning. Placid, first word was, its meaning was calm. Self-contained means self-dependent. Sweat means toil or work. Wine means complain. Demented means mad or insane. Mania, madness. Owning, possessing. Kneels, to bow his head and appeal for mercy. Next, tokens, symbols or signs. Evince means to show. Did I pass till them? The line means that the poet wonders if man also had once been an animal long ago, but as he built a civilization, he dropped his natural virtues, his good qualities, and animals still carried them. They are so placid and self-contained means the animals are calm and gentle. They don't grumble or quarrel along themselves like human beings. I wonder there where they got those tokens. This line means the poet wonders how the animals have acquired ideal human qualities. Very everything we have discussed, every each and everything, whatever could be there in the poem. These all things you have to mention in your copy. Don't forget to write it down. Make questions of yourself. This poem is very important, not only for exam point of view, for your daily life. So go through this poem, mention it in a copy, complete your notes. Today we'll be seeing the notes. See, making notes is very important, because making notes helps you keep in record of the things that you study and helps you to refer if you revise the things. Thank you for joining the online classes with Sri Ram Public School. Continue studying with us. We'll be helping you forever, always. These are the literary devices. You can see repetition of word long is used. Metaphor, sweat and wine refers to the cries and complaints of human being. Again, metaphor, the human qualities are referred to as tokens. So comparison is made. So here it is metaphor. These are the literary devices you can mention. The inner qualities of humans are referred to as tokens. That's metaphor. See, now question. Mention three things that humans do and animals don't. We have seen this.
These are the questions I think of NCERT. You can go through your book and you can write the question answers. Of course, if you have any doubt, you can ask in the doubt session. We have half an hour doubt session and people don't ask anything. So it's better if you write, work and ask the doubts. These are the question answers you have to write. And that's all like for this video. I hope you learned and understood the poem. I hope it was interesting. I'll be working on it, bringing you new type of videos so that it may make you, help you. It may make easy for you to learn things. That's all for this video. Thank you so much. Have a good day.